आज हम आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रैक्टिकल सेशन बताने वाले हैं, जो आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हम बताएंगे। सबसे पहले आप एक न्यू फाइल क्रिएट करिए, अगर आपको नहीं आती तो फाइल में जाइए, यहाँ न्यू दबाइए और फिर उसके बाद ये जो प्रोग्राम हम इसमें दिखा रहे हैं उसको आपको रन करना, ओपन करिए। ये प्रोग्राम में जिसमें दो हेडर फाइल यूज की गई है stdio.h conio.h, उसमें मेन में जाइए, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, ये रैम लिखा है इसने, रिमार्क कर दिया है बताने के लिए कि प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं। यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर वी आर फॉर्मेटिंग द आउटपुट बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर फंक्शंस। सो डिफाइन वेरिएबल करेक्टर सी एच इक्वल्स टू डी। अब हमने बताया था करेक्टर को हम सिंगल कोट्स के अंदर रखते हैं, इंट एक्स इक्वल टू 45, वाई इक्वल्स टू 90 एंड फ्लोट इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 12.67, इंट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 67 और स्ट्रिंग एरे हम लोग ने डिफाइन किया है जिसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड। इसको हमने स्ट्रिंग में डाला और ये डायनेमिक एरे है क्योंकि हमने एसटीआर ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर ऑफ करेक्टर डिफाइन नहीं किया है। फिर हमने किया क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन से क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा है वो क्लियर हो जाएगा, जिसके लिए हमने conio.h यूज़ किया है। फिर प्रिंट एफ, प्रिंट करेक्टर बी। अब हमने फर्स्ट बार क्या फॉर्मेट किया, स्पेसिफायर लगाया परसेंट सी जो करेक्टर के लिए है, फिर प्रिंट साइंड इंटीजर बैक स्लैश एन, तो वो प्रिंट कर देगा आपका एक्स, एक्स में हमारा 45 है तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई से क्या करेगा, अनसाइंड इंटीजर प्रिंट करेगा, तो जस्ट डबल हो जाएगा वाई, तो वाई आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, इंट की वैल्यू 45 है और अनसाइंड वैल्यू y की 90 आ जाएगी। फिर प्रिंट f फ्लोट वैल्यू करेगा, फ्लोट के लिए परसेंट f यूज़ किया और f में हमारा 12.67 है तो 12.67 आ जाएगा। फिर प्रिंट f फ्लोट इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के लिए e लगाते हैं, परसेंट e f कर दिया, f में जो वैल्यू है साइंटिफिक फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी। फिर ऑक्टल वैल्यू में कन्वर्ट किया है नंबर को, तो डिजिटल भी हमने इंटीजर भी प्रिंट किया और ऑक्टल भी प्रिंट किया, तो आपका वो ऑक्टल और इंटीजर दोनों प्रिंट कर देगा। फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देगा इंटीजर वैल्यू की। फिर प्रिंट स्ट्रिंग एरे वैल्यू किया तो एसटीआर किया, एसटीआर में हम लोग का देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है तो वो प्रिंट कर देगा एसटीआर। अब str के लिए हम परसेंट s लगाते हैं, लेकिन str को हम डिफरेंट ढंग से डिफाइन कर सकते हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं। परसेंट 20s बैक स्लैश n किया तो str20 करेक्टर विद स्ट्रिंग वैल्यू राइट अलाइनमेंट, तो जब हम प्लस 20s करते हैं तब राइट अलाइन होगा, जब माइनस 20s करेंगे तो लेफ्ट अलाइन होगा। अब हम 20 करेक्टर में से केवल 5 करेक्टर डिस्प्ले करना चाहते हैं विद अलाइनमेंट, तो स्ट्रिंग में से 5 करेक्टर केवल डिस्प्ले करने चाहते हैं विद राइट अलाइनमेंट, तो लिख देंगे 20.5s और लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो प्रिंट स्ट्रिंग अप टू 5 करेक्टर लिख देंगे माइनस 20.5s। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा अगर कोई एरर नहीं होगी, लेकिन इसमें एरर आ रही तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ है। तो ये CLR SCR पे एरर दे रहा है, डिक्लेरेशन एरर 43 पे भी दे रहा है, इसमें सेमी कोलन नहीं लगाता इसलिए एरर दे रहा था, तो इसको ठीक कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं, एक एरर अभी भी है, देखें कहाँ पे आ रही है,
तो ये देखिए एक्स्ट्रा वैल्यू कुछ है यहाँ पर, इसकी वजह से एरर आ रही है। तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए एक्स्ट्रा वैल्यू ये दिख नहीं रही थी जो फालतू में डिक्लेयर है। अब इसको फिर से रन करेंगे, इस तरह से कुछ हो जाए आपके साथ तो उसको रिमूव कर दीजिएगा। अब देखिए आपका आउटपुट आ गया, पहले बी प्रिंट किया, फिर साइन इंटीजर प्रिंट किया, फिर अनसाइन इंटीजर प्रिंट किया, फिर प्रिंट फ्लोट वैल्यू किया, फिर प्रिंट फ्लोट इन साइंटिफिक नोटेशन कर दिया, फिर कन्वर्ट इंटू ऑक्टल किया, 67 का 103 आ गया, फिर हेक्साडेसिमल किया, 67 का 43 हो गया, फिर स्ट्रिंग किया हेलो वर्ल्ड, फिर शिफ्ट str 20 करेक्टर विद स्ट्रिंग वैल्यू राइट हैंड साइड, देखिए 20s लिखा था तो राइट हैंड साइड पे हेलो वर्ड दे दिया, और माइनस 20s लिखा था तो लेफ्ट हैंड पे हेलो वर्ड दे दिया, फिर राइट अलाइन करो और 5 करेक्टर हेलो वर्ड में से लेकर प्रिंट किया, फिर लेफ्ट अलाइन किया 5 करेक्टर हेलो लेफ्ट साइड में प्रिंट कर दिया। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस प्रैक्टिकल सेशन please like share and subscribe and try yourself, and if any problem ask to me in the comment, go to my community and answer the poll and comment on my video, and see video if you subscribe it, then you will get a playlist animation in C, then you can also learn their animation in C, you can run the rockets, you can play the crackers there. So thank you viewers, if you like it, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Thank you.